हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। इससे बात कर लेते हैं डुरंड कप के बारे में। तो डुरंड कप में कल दो मैच था। पहला मैच था बोडोलैंड एफसी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड एफसी। एंड सबसे पहले तो करेक्शन, कल के पहले वीडियो से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बोल दिया था बोडोलैंड एफसी जम्मू कश्मीर का क्लब है, एक्चुअली आसाम का क्लब है। बहुत लोगों का कमेंट भी आया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। एंड ये मैच बेसिकली, वैसे राजस्थान जीत तो रहा था इस मैच को 1-0 से, लेकिन उसके बाद ड्यू टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल मैच का वर्णन कर दिया गया कि एक टाइम के बाद लिटरली बॉल तैर रहा था स्टेडियम में। सो इसी की वजह से इस मैच को अबैंडन कर दिया गया है। काफी रेयर एक इंसिडेंट होता है फुटबॉल में मैच को ऐसे बारिश की वजह से अबैंडन करने के लिए, क्योंकि लिटरली बॉल तैर ही रहा था। सो मैच कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं था, तो इसी के लिए इस मैच को अबैंडन करके ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि मैच अगर अबैंडन होता है तो ड्रॉ ही डिक्लेयर होगा। रिजल्ट कुछ भी हो, 1-0 हो, 2-0 हो, 5-0 हो, 10-0 हो, वो फर्क नहीं पड़ता। सो हाँ, ये मैच हो चुका है अबैंडन। सो बोडोलैंड को मिल चुका अपना पहला पॉइंट, आसाम का क्लब है बेसिकली ये। एंड अभी अगर हम लोग कल के दूसरे मैच का बात करें, जो है मोहम्मडन एससी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, एक ऐसा मैच जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था। सो इस मैच का भी स्कोर लाइन ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज हुआ है, बट काफी अच्छा हुआ है। मुंबई ने मैच 3-1 से जीत लिया है। एंड मुंबई इस मैच में अपना फर्स्ट टीम, जो मैंने पहले ही बोला था, अपना मेन प्लेइंग 11 इस मैच में वो लोग खिला रहे थे। और मुंबई का ओके पहला गोल किया रोशन ग्रिफिथ्स ने, दूसरा जॉश फेरडियाज और फिर चांगते ने, और यहाँ पे मोहम्मडन का ओके एकमात्र गोल किया डेविड ने। सो सी ओवरऑल अगर हम देख ले तो फर्स्ट हाफ में जो गोल था सब फर्स्ट हाफ में हुआ है। सेकेंड हाफ में मोहम्मडन ने कोशिश बहुत किया था कि कमबैक करने का, लेकिन फिनिशिंग का जो कमी है मोहम्मडन की टीम में, जो काफी ज्यादा क्लियरली विजिबल था। सी मुंबई का जो टीम का क्वालिटी है, मोहम्मडन का जो टीम का क्वालिटी है, उसमें बहुत फर्क है। लाइक बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये सबको पता है कि डिफरेंस काफी ज्यादा, लेकिन मोहम्मडन ने कोशिश पूरा किया था। एंड वो ट्राई देखने में काफी अच्छा लगा मुझे, एंड वही उम्मीद करूंगा कि आने वाले मैचेस में ट्राई जरूर देखें। मुंबई भी अपना मेन टीम खिलाए, क्योंकि यार मेन टीम जब मुंबई खिलाता है तो एक अटैकिंग फुटबॉल देखने में उसका भी अलग मजा है। एंड टीम काफी ज्यादा सेटल भी नजर आ रहा है, तो देखते हैं कि आने वाले मैचेस में दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज दो मैच है। पहला मैच है दिल्ली एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी। ये मैच है 2:30 में। अब ये मैच देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हैदराबाद ऑलरेडी इस साल उनकी टीम में इतने सारे चेंजेस हुए, अब उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिल्ली एफसी लाइक ऑफकोर्स डिफरेंस है, लेकिन अच्छा टीम है दिल्ली एफसी, तो क्या वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा अपसेट दे पाते हैं, यानी वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन हाँ, हैदराबाद कैसे खेलेंगे ये देखने के लिए मैं पर्सनली काफी इंटरेस्टेड हूँ, कि टीम में इतने सारे चेंजेस हुए, इतने सारे नए इंडियन प्लेयर्स को लाया गया है, पुराने बहुत सारे अच्छे इंडियन प्लेयर्स निकल चुके हैं, तो अब टीम को कैसे शेपअप किया जाएगा नए कोच के अंडर, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और बात करते हैं आज के दूसरे मैच के बारे में। ये मैच है 4:45 में, एंड ये है ईस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश आर्मी। तो वैसे भी बांग्लादेश आर्मी का पहला मैच उतना अच्छा गया नहीं, 5-0। अब ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट में ईस्ट बंगाल का ये सीजन का पहला मैच है, तो ईस्ट बंगाल डेफिनेटली अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे, एंड वो अपना मेन टीम ही खिलाने वाले ईस्ट बंगाल भी। सो वो भी काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ईस्ट बंगाल को मेरे हिसाब से मेन टीम खिलाना भी चाहिए, क्योंकि उनको टीम को प्रिपेयर करना एकदम जीरो से, स्क्रैच से उनको कॉम्बिनेशन बैठाना है प्लेयर्स के अंदर। एंड सो कार्लोस क्वाद्रात के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी है, काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी है उनसे कि वो उनके अंडर ईस्ट बंगाल कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट सैडली ग्रुप इतना हार्ड मिल चुका है, उनको कुछ किया जा नहीं सकता। कि बांग्लादेश आर्मी, इसके बाद पंजाब एफसी है, फिर मोहन बगान। सो बहुत डिफिकल्ट ग्रुप मिला है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इस मैच में ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और हम लोग बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में। सो एफसी गोवा के प्लेयर आइबन डोलिंग, जो कि ऑलरेडी गोवा के साथ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी केरला ने इंटरेस्ट दिखाया है। मतलब केरला आइबन डोलिंग का साइनिंग जैसे भी हो कंप्लीट करना चाहते ही है, क्योंकि सी आइबन डोलिंग काफी अच्छे प्लेयर है, एक अच्छे इंडियन डिफेंडर है, जो कि सबसे वाइटल है, जिसी की वजह से मेलिना मार्कासरो ने आइबन डोलिंग को होल्ड भी इसीलिए किया, क्योंकि उनको भी पता है कि आइबन डोलिंग बहुत ही की एक लाइक सेंट्रल बैक पोजिशन के प्लेयर है गोवा में, एंड इंडियन प्लेयर है। सो वो एक बैकअप के लिए काम में आएगा, और फुल बैक में भी खेल सकते हैं। सो वो एक एक डिफरेंशिएशन और वर्सिटिलिटी की वजह से उनको रखा गया गोवा के स्क्वाड में। ऑल्दो उनको शायद फर्स्ट प्लेइंग 11 में उतना मौका ना दिया जाए अभी, लेकिन लाइक फिर भी सी बैकअप बेंच स्ट्रेंथ होना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो मेलिना मार्कासरो को बहुत अच्छे से पता है, केरला को भी पता है, इवान वुकोवानोविच को भी पता है, इसी की वजह से वो भी टारगेट कर रहा है आइबन डोलिंग को। अब गोवा किसी भी एंगल में मूड में ही नहीं है आइबन डोलिंग को रिलीज करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या आइबन डोहलिंग लाइक यू नो केरला ब्लास्टर्स में आते हैं नहीं, या फिर वो गोवा में रहता है। आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स, आपके ओपिनियंस इस पूरे डील्स को लेकर या फिर इस पूरे ट्रांसफर सागा को लेकर आइबन डोहलिंग का, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों बीच में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लगने लगा साथ, तब तक के लिए बाय।